हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम नेक्स्ट यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। यूनिट 3 में हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ा था। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में क्या था? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हमने वर्ड प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने राइटर सॉफ्टवेयर में पढ़ा था कि हम कैसे डेटा को, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। जैसे आप लोग एमएस ऑफिस में एक्सेल पढ़ते हो, एमएस एक्सेल, ऐसे ही आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आप सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, इसका नाम है कैल्क। ये सेम एमएस एक्सेल की तरह ही काम करता है कैल्क सॉफ्टवेयर। अब इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। इन अ डेली लाइफ और एट वर्क प्लेस वी हैव टू परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशन। हमारी चाहे डेली लाइफ में हो या फिर कोई ऑफिसेज में हो, कहीं पर भी हो, हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती। वेरियस मेथड्स आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कैलकुलेशन। अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं हम इन कैलकुलेशंस के लिए, या फिर हम उनको फिंगर्स पे काउंट करते हैं, या मेंटल कैलकुलेशंस करते हैं, या कैलकुलेटर्स का यूज़ करते हैं। तो इन साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर यूज। साइंस और इंजीनियरिंग में तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने लगे, लॉग की वैल्यू, स्क्वेयर रूट की वैल्यू निकालने के लिए तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करने लग गए। तो इन साइंस एंड इन इंजीनियरिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर आर यूज टू परफॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज टूल विच इज़ यूज टू परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन। लेकिन अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो उसमें हर टाइप की कैलकुलेशन यूज हो सकती है, साइंटिफिक भी और दूसरी भी। तो अगर आपने देखा होगा कि आपके चाइल्डहुड में क्या होता था, यू माइट हैव यूज ए स्पेशल नोटबुक विद स्मॉल सेल्स मार्क विद रोज एंड कॉलम। आप जब मैथ्स की नोटबुक में काम करते थे, छोटे छोटे बॉक्स बने होते थे उसमें, तो जो वर्टिकल होती थी वो आपकी क्या होती थी, रोज होती थी, और जो हॉरिजॉन्टल्स होते थे वो कॉलम्स होते थे। तो वी हैव आल्सो लर्न्ड द मल्टीप्लिकेशन टेबल, हम उसमें टेबल भी लिखते थे, लर्न करते थे। द स्प्रेडशीट इज़ अ लॉन्ग शीट ऑफ रोज एंड कॉलम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टू डू डेटा एनालिसिस एंड कैलकुलेशन। तो स्प्रेडशीट भी क्या है, एक लॉन्ग शीट होती है जिसमें रोज और कॉलम से मिलकर बनी होती है कंप्यूटर पे, जिसमें हम इजीली अपने डेटा की कैलकुलेशन कर पाएँ। या अलग वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्प्रेडशीट क्या है, इट इज़ अ ग्रिड विच इंटरेक्टिवली मैनेजेज एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन रोज एंड कॉलम, जो मैनेज करती है डेटा को, ऑर्गेनाइज करती है रोज और कॉलम की फॉर्म में। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कह देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्यों, कंप्यूटर पर बनी हुई है, तो डिजिटल स्प्रेडशीट है या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। तो इट इज़ यूज फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियली से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें डेटा रिपोर्ट्स बना सकते हैं, इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, साइंटिफिक एंड स्टैटिकल रिसर्च कर सकते हैं। इनवॉइसेस क्या होता है बच्चे, इनवॉइसेस होता है कि जैसे सैलरी बनती है किसी की भी, चाहे वो टीचर्स हो या कोई भी कंपनी में जॉब करता हो, तो सैलरी से पहले उनकी इनवॉइस तैयार होती है कि मंथली कितने दिन आए वो, कितनी उनकी सैलरी है, बेसिक सैलरी क्या है, सारा काउंट करके इनवॉइस तैयार होती है पहले। तो वो सारी इसमें हो सकती है। स्टैटिकल रिसर्च होते हैं, स्टैटिकल रिपोर्ट बनानी है, मान लो पॉपुलेशन से रिलेटेड है कुछ भी, साइंटिफिक कोई रिपोर्ट बनानी है जिसमें डेटा एनालाइज करना है, तो सब हम कैलकुलेशन, जिस भी टाइप की कैलकुलेशन है वो हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। तो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है वो सब कुछ स्टोर रखता है, उसमें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। यूज़र कैन एंटर डेटा इनटू स्प्रेडशीट, डू द फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट, एनालाइज द डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। तो यूज़र इसमें क्या कर सकता है, स्प्रेडशीट में फॉर्मेटिंग भी कर सकता है। फॉर्मेटिंग आपको बताया था मैंने, टेक्स्ट को चेंज करना, कलर चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, है ना। कैलकुलेट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है डेटा को। बिसाइड्स यूजर डेटा, स्प्रेडशीट पैकेजेस ऑल्सो प्रोवाइड बिल्ट इन फॉर्मूले। डेटा तो कर ही सकते हैं इसमें एनालाइज, पर इसमें कुछ बिल्ट इन फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस भी होते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं जो फाइनेंशियल, स्टैटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराने के काम आते हैं। स्प्रेडशीट पैकेजेस आर वाइडली यूज फॉर डेटा एनालिसिस एंड अकाउंटिंग एप्लीकेशन। मेनली हम स्प्रेडशीट पैकेज को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम डेटा को एनालिसिस कर पाएँ और अकाउंट्स से रिलेटेड एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएँ। बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी द स्प्रेडशीट पैकेजेस आर यूज एज एन यूनिवर्स प्रोग्राम फॉर स्ट्रक्चर डाटा प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग। ये सारी एबिलिटी होने की वजह से हम इसको यूनिवर्सली यूज़ करते हैं, ताकि हम डेटा को प्रिपेयर कर पाएँ और प्रोसेस कर पाएँ। एज स्प्रेडशीट बिकम लार्जर दे बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज। आपको पता है कि स्प्रेडशीट बहुत लंबी भी हो सकती है। टू हैंडल दिस इंक्रीजिंग साइज ऑफ स्प्रेडशीट द कम्प्लीट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कबुक वॉज आइडेंटिफाइड। तो इस चीज़ को
रिमूव करने के लिए इस प्रॉब्लम को कि साइज बहुत बड़ा होता है स्प्रेडशीट का, तो हमने एक वर्कबुक का कॉन्सेप्ट लेके आए। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क बुक वॉज आइडेंटिफाइड लेबर ऑफिस कैल्क। मैंने आपको बताया जैसे एम एस एक्सेल होता है, ऐसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लेबर ऑफिस कैल्क जो एक्सेल की तरह ही काम करता है, एक स्प्रेडशीट ही होती है। इट्स यूज टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज, अलग अलग प्रोवाइड करती है एक्यूरेटली और एफिशिएंटली। सबसे पहले टेबुलेशन ऑफ डाटा, टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होगा, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगी इसमें, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फॉर्मूलाज फंक्शन भी होंगे, डेटा को अरेंज कर पाओगे आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं, मतलब आप हिंदी में कह देते जिसको आरोही अवरोही क्रम में। फिल्टरिंग कर सकते हैं आप डेटा की, चेक कर सकते हैं वैलिडिटी डेटा की, प्रोटेक्शन दे सकते हैं पासवर्ड लगा के, और इसको फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो अब हम इस कैल्क सॉफ्टवेयर को कैसे स्टार्ट करते हैं, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको। स्प्रेडशीट के कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें से फोर के एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं, ये आपके एग्जाम में आ भी जाता है क्वेश्चन कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं। तो अभी एक तो मैंने आपको बताया ही था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एम एस एक्सेल बोलते हैं जिसको, एक हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे लेबर ऑफिस कैल्क, एक ओपन ऑफिस कैल्क होता है, एक एप्पल इंक नंबर्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में लेबर ऑफिस कैल्क। स्टार्ट कैसे करते हैं इसको, व्हेन इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो लेबर ऑफिस गेट्स इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट अलोंग विद द आइकन्स। लेबर ऑफिस भी इंस्टॉल कर सकते हो आप, लेबर ऑफिस में ये सारे होते हैं, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। राइटर जो होता है आपका डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, जैसे एम एस वर्ड होता है, कैल्क आपका जो होता है वो एक्सेल की तरह काम करता है, इम्प्रेस होता है जो आपकी पावर पॉइंट की तरह काम करता है। तो दीज आइकन्स आर देन प्लेस्ड ऑन द लॉन्चर, तो ये अपने आप आइकन आ जाते हैं। आप जब लेबर ऑफिस को ओपन करोगे तो इस आइकन पर डबल क्लिक करके इसको खोल सकते हो, या फिर स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट का बटन आप प्रेस करते हो तो वहाँ पे आपके पास ये लेबर ऑफिस का आइकन शॉर्टकट होता है, आप उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, और क्लिक द विंडो मेन्यू, सिलेक्ट लेबर ऑफिस एप्लीकेशन। ये देखो लेबर ऑफिस एप्लीकेशन खोलोगे उसमें सारे आपके लेबर ऑफिस के जितने भी पैकेज है वो आ जाएंगे, कैल्क, इम्प्रेस। ठीक है, तो आप इसको जो भी करना चाहते हो इस पर ओपन करके खोल सकते हो। अप टू स्टार्ट लेबर ऑफिस कैल्क, आपको स्टार्ट कैसे करना है वही डबल क्लिक करना है। पार्ट्स ऑफ लेबर ऑफिस कैल्क, अब पार्ट्स क्या क्या होते हैं इसे देखो। जब आपने लेबर ऑफिस कैल्क पर डबल क्लिक किया, बच्चे इसको एक तो आप दोबारा से बताती हूँ, दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पे जाओगे, वहाँ पे सर्च पे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो लेबर ऑफिस, उस पर क्लिक करोगे लेबर ऑफिस खुल जाएगा, वहाँ पे सारे लेबर कैल्क होगा, राइटर होगा, आपको कैल्क पे डबल क्लिक करना है, या फिर डेस्कटॉप पे भी आपका आइकन आप होता है कैल्क का, उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। एक बार ये आपने लेबर कैल्क ऑफिस को ओपन कर लिया तो ये आपके पास ये विंडो आती है सामने। ठीक है, अब इस विंडो में देखो क्या क्या ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसकी। ऊपर है सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, जैसे आपने एमएस उसमें भी पढ़ा था राइटर सॉफ्टवेयर में, कि कुछ ऐसे आइकन्स होते हैं जिनको आप जल्दी से जल्दी यूज़ कर पाओ, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ऐसे कुछ होते हैं, तो उनको आप क्विक एक्सेस टूल बार में डालोगे तो इजीली आप वहाँ से ही कट, कॉपी, पेस्ट को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, रिबन बोल देते हैं इनको, जिसमें ये ऑप्शन सारे होते हैं। ऊपर ये कंट्रोल बटन्स होते हैं मिनिमाइज का, जो ये डैश बना हुआ है ये मिनिमाइज है, ये बॉक्स बना हुआ है ये हमारा मैक्सिमाइज होता है, क्रॉस मतलब बंद करने के लिए विंडो को। ऊपर है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है कि आपकी जो स्प्रेडशीट है ये इसका नाम क्या है, इस फाइल का नाम जो है वो टाइटल बार में आएगा। इसे बाय डिफॉल्ट तो अनटाइटल दिखाता है वो, आप इसको सेव करते हो जिस नेम से फिर वो नेम वहाँ यहाँ दिखाने लग जाएगा। ठीक है, और बाकी जो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये क्या होते हैं आपके मेन्यू होते हैं या टैब बोल देते हैं आप इनको। जो नीचे सारे आइकन्स दिए हुए हैं ये सारे हमारे रिबन होते हैं। ठीक है, जो ऊपर ये दे रखा है A1 जिस पे लिखा हुआ है, ये हमारा नेम बॉक्स होता है, यहाँ पे मतलब इनके नेम होते हैं, जिस पे भी हम क्लिक करेंगे सबके नेम आ जाते हैं, जिस पे भी हमारा कर्सर रहता है। ठीक है, ये जो है फंक्शन का बार, इंसर्ट फंक्शन, मतलब यहाँ फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम फॉर्मूला बार, यहाँ पे जो फॉर्मूला टाइप करते हैं ये लिखा होता है वो हमें फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई देता है। ये फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, इसे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो बोल्ड, इटैलिक वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन हमें, जो भी फॉर्मेटिंग करनी है। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है ऊपर नीचे करने के लिए, एक ये नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है मतलब दाएँ बाएँ करने के लिए। रो हेडिंग, ये 1 2 3 4 7 8 9 10, ये सारे ही हमारे रो होते हैं, और ये A B C D E F G पर है, ये हमारे कॉलम होते हैं। रो और कॉलम जो ये छोटे छोटे बॉक्स आते हैं बीच में, ये रो और कॉलम की इंटरफेसिंग को बोल देते हैं, मतलब कि रो और कॉलम आपस में मिलके एक बॉक्स बना रहे हैं, उसको बोल देते हैं हम उसका सेल, उसको क्या बोल देते हैं हम सेल। और एक्टिव सेल क्या होता है, जहाँ पे हमारा कर्सर जिस टाइम पड़ा होता है उसको बोल देते हैं एक्टिव सेल। तो
हमारा कर्सर अभी कहाँ पे है, जो ये सिलेक्ट है हमारा कर्सर, ये हमारा ए पे है, तो ये हमारा सेल है। अब इसको हम देखते कैसे हैं कि सेल कैसे काम करता है। जैसे मान लो हमारा सेल पड़ा है यहाँ पे, तो ऊपर से ए, इधर से वन, मतलब इस सेल का नाम क्या हुआ, ए वन, ठीक है। नीचे देखो हमारे पास और चीज़ें हैं, वर्कशीट नेविगेशन। वर्कशीट में क्या होता है, इसमें शीट्स होती हैं, जैसे शीट वन लिखा हुआ, अभी इसमें बाई डिफॉल्ट एक, इसमें एक ही शीट दिखा रहा है। आप नंबर ऑफ शीट इसमें ओपन कर सकते हो, राइट क्लिक करके न्यू शीट ओपन कर सकते हो, या प्लस के निशान पे क्लिक करके शीट, ये प्लस का निशान है साथ में शीट के साथ, इस पर क्लिक करके आप शीट ओपन कर सकते हो। शीट को रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। स्टेटस बार ये बताएगी कितनी शीट खुली हैं, कितने वो हैं इसके अंदर, वो कॉलम्स हैं। जूम कंट्रोल, जूम कंट्रोल में हम जूम करके देख सकते हैं, इसको बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। तो ये सारी थी हमारी, हम ये भी बोल सकते हैं कि इंटरफेस कैसा दिखता है हमारा कैल्क सॉफ्टवेयर का, कैल्क विंडो है ये, मतलब कैल्क खुलने के बाद हमें इस तरह से दिखता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्प्रेडशीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।